दुनिया की गगन में आज वो आजाद है, पंछी बन मस्त गगन में उड़ने की कल्पना करने वाली कल्पना चावला। कल्पना का साहस, विश्वास और दृढ़ता साबित करती है कि भारतीय नारी के लिए कुछ भी तो नामुमकिन नहीं है। प्रथम भारतीय महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला को श्रद्धांजलि देते हुए कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी ने 7 फरवरी 2003 को पिकोबा के नाम भेजे एक पत्र में लिखा। टुडे वी पे होमेज टू अ रिमार्केबल यंग इंडियन हु शोन लाइक अ स्टार थ्रू आउट हर ब्रीफ लाइफ इल्यूमिनेटिंग आवर लाइव्स एंड ब्रिंगिंग प्राइड एंड ग्लोरी टू इंडिया। कल्पना की अंतरिक्ष उड़ान एक सम्मान है विश्व भर में भारतीय नारी का। आज पिकोबा द्वारा पिकोबियन कल्पना चावला को एक संगीतमय श्रद्धांजलि। कल्पना की उड़ान, नारी का सम्मान। हरियाणा के शहर करनाल में बसे मध्यवर्गीय परिवार श्री बनारसी लाल चावला और संजोकिता के यहाँ दो पुत्री सुनीता और दीपा एवं एक पुत्र संजय के बाद 1 जुलाई 1961 चौथी संतान के रूप में जन्म हुआ कल्पना चावला का। जहां सभी माता पिता अपनी संतान को आंखों का तारा कहते हैं, वही कल्पना के माता पिता ने अपनी इस नन्ही सी लाडली को कहा तारों की रानी। नन्ही सी लाडली का करनाल में ही स्थित टगोर बाल निकेतन स्कूल में एडमिशन कराने गई बड़ी बहन सुनीता ने प्रिंसिपल विमला रहेजा को अपनी इस छोटी बहन जिसका पेट नेम मोंटो था के लिए 3 नाम सुझाए, ज्योत्सना, सुनैना और कल्पना। प्रिंसिपल द्वारा पूछे जाने पर इस छोटी सी बच्ची ने अपना नाम खुद तय किया। शायद उसने उसी दिन तय कर लिया था कि वो जो भी कुछ करेगी सबसे अलग करेगी। खिलौनों से ना खेलकर ये बच्ची, इस बच्ची के मन में चांद सितारों को छूना, आसमानों में उड़ना और आकाश को बाहों में समेटना जैसी छोटी छोटी आशाएं उसके छोटे से मन में पलने लगी थी। कल्पना की छोटी उड़ाने, छोटी आशाएं अब बढ़ने लगी थी। उसके बचपन का शौक उसके जुनून में बदलने लगा। अपनी क्लास में कागज के एरोप्लेन बनाकर उड़ाना, साइकिल पर घूमते हुए उड़ते हवाई जहाजों को देखना और गर्मियों की अंधेरी रात में घंटों तारों को निहारना उसका जुनून ही तो था। करनाल के दयाल सिंह कॉलेज से अपनी प्री इंजीनियरिंग कंप्लीट कर 1982 में चंडीगढ़ के पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज से 3rd रैंक हासिल करते हुए कल्पना ने अपनी एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग कंप्लीट की। तरक्कियों के उस दौर में उसकी कोशिश ही चल गई, बना के अपना रास्ता वो भीड़ से निकल गई। और एक दिन कल्पना उड़न खटोले में बैठ हम सबको सलाम कर अमेरिका चली गई। यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास पहुंचने के कुछ समय बाद ही कल्पना की मुलाकात एक लोकल फ्लाइंग क्लब के फ्रीलांस फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर जेपी हैरिसन नाम की फ्रेंच अमेरिकन से हुई, जो कल्पना के अपार्टमेंट के बेहद करीब रहते थे। दोनों को ही रीडिंग, म्यूजिक, आर्ट और फ्लाइंग का बहुत शौक था और यही शौक दोनों को कुछ ही दिनों में बेहद करीब ले आया। फिर क्या था, मनचाहा माहौल, मनपसंद साथी और एक ऐसी मंजिल जहां तक पहुंचने का साहस उस साथी, उस हम सफर से मिलने लगा कल्पना को। अपने प्यार, भरोसे और विश्वास की डोरी जेपी के हाथों सौंपते हुए कल्पना यह पूछे बिना नहीं रह पाई।
जेपी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। मिले दोनों इस तरह, एक अधर बना, एक स्वर बना, एक प्यार भरा एहसास बना, एक विश्वास बना, एक सहारा बना, एक चांद बना तो एक तारा बना। और 2 दिसंबर 1983 में जेपी और कल्पना हमेशा हमेशा के लिए एक दूजे के हो गए। नील गगन में हिलोरे लेने का मौका कल्पना कभी नहीं गवाती थी। तभी तो पायलट लाइसेंस मिलने के बाद उसने अपना एक टर्बो एरोप्लेन खरीदा और उसने बैठकर छोटी छोटी उड़ानें भरना शुरू किया। आजाद पंछी की तरह उड़ना और प्राकृतिक दृश्यों को अपने कैमरे में कैद करने का कल्पना को बेहद शौक था। तभी तो कैमरा उनके पास हमेशा रहता था। जितना आनंद उसे धरती से नीले गगन को देखने में मिलता, उतना ही आनंद उसे आसमान में उड़ते हुए हरी हरी वसुंधरा को निहारने में मिलता। कुदरत की इस पवित्र धरती को निहारते हुए कल्पना बस एक ही सवाल पूछती, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार है। जिंदगी है 4 दिन, 4 दिन भी तो कुछ कम नहीं। 4 दिन झूम के जी ले, होगा फिर मौत का गम।